हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग स्टैंडर्ड फिफ्थ का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो मैथ्स का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 है एंगल्स, उसमें प्रॉब्लम सेट नंबर 25 और 26 जो है वो दोनों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट नंबर 25 इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी स्मॉल। ओके, रीड फ्रॉम द बुक। Measure the angles given below and write the measure in the given boxes. ये चार angles दिए हैं हमें protractor के साथ, सिर्फ उनकी measure जो है वो find out करनी है और नीचे दिए हुए rectangle में लिखनी है। That's it. Okay? चलो सुनो बच्चों, ये protractor जो है वो हमें ये जो starting point of the angle है और ये छोटा स्टैंडिंग लाइन जो प्रोट्रैक्टर के ऊपर होता है उसका एंड पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर और नीचे की जो आर्म है एंगल की वो बराबर ये स्लीपिंग लाइन पे आनी चाहिए और उसकी मेजर हमें फाइंड आउट करना है। तो दूसरा आर्म कौन से मेजर पे आ रहा है? 40। सो दिस इज 40 डिग्री। आगे वाला करते हैं, यू कैन शिफ्ट योर बुक लाइक दिस। प्रोट्रैक्टर कैसे रखना है? वो मीटिंग पॉइंट जो है एंगल का, दो रेज का, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो और प्रोट्रैक्टर का जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए और जो लाइन है एंगल की वो भी ये अपनी लाइन प्रोट्रैक्टर के साथ बिल्कुल मैच होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर एक। ओके, और हमें देखना है एंगल, दूसरा जो आर्म है एंगल का वो हमें बताएगा कि वो क्या मेजर का एंगल है। दैट इज 120। सो इट इज एंगल ऑफ 120 डिग्री। यू कैन शिफ्ट द पेपर और द बुक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ ये राइट एंगल दिया है, लुकिंग एट इट ओनली वी कम टू नो कि ये एक बराबर स्लीपिंग लाइन है और स्टैंडिंग लाइन है तो उसका मेजर 90 ही होना चाहिए। अभी प्रोट्रैक्टर के साथ देखते हैं। ओके, अभी आपको पता है कि प्रोट्रैक्टर कैसे रखना है। सी, बराबर वो दूसरी जो लाइन है, दूसरी आर्म है एंगल की, वो बराबर 90 के लाइन के नीचे आ रही, मतलब उसका मेजरमेंट क्या है? 90 डिग्री। सो लिखो बच्चों, इट इज 90 डिग्री। ओके, अगर पेपर शिफ्ट नहीं करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो यू टेक द लिबर्टी ऑफ शिफ्टिंग द पेपर। ओके, चलो अभी तो पता है कैसे करना है, देखो इसका एंगल क्या है। मेजर एंगल इज इन बिटवीन 80 एंड 90, एग्जैक्टली इन बिटवीन 80 एंड 90, सो इट इज 85 डिग्री। हो गया अपना प्रॉब्लम सेट 25, ओनली 4 वर देयर, सो वी फिनिश्ड विद इन नो टाइम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेट नंबर 26। सी, इसमें हमें एक्चुअली एंगल्स ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। सुनो बच्चों, ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द प्रोट्रैक्टर, दिस इज द प्रोट्रैक्टर। ओके, रूलर तो सबको मालूम है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। यू हैव टू ड्रॉ 60 डिग्री एंगल। ओके, सो विद द रूलर ड्रॉ एनी रीजनेबल, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। हो गया, नाउ टेक द प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर कैसे रखना है? ये जो लाइन है स्टैंडिंग लाइन छोटी, उसका जो एंड पॉइंट है वो बराबर स्टार्टिंग ऑफ द सेगमेंट पे आना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये जो स्लीपिंग लाइन है वो बराबर आपके सेगमेंट के ऊपर ही आनी चाहिए। थोड़ी सी भी स्लैंटिंग इधर उधर हो गई तो मेजरमेंट डेफिनेटली रॉन्ग होने वाला है। बच्चे लोग, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। नाउ 60,
वेर इज 60, यू हैव टू सी द इनर पोर्शन ऑफ दिस नंबर. सी नंबर तो बाहर भी है और अंदर भी है, अंदर वाला देखो 60 और बराबर वो जिधर है लाइक दिस एंड ड्रॉ अ स्मॉल पॉइंट. नाउ टेक द रूलर एंड जॉइन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एंड दैट पॉइंट विच यू हैव ड्रॉन. वो दोनों एक दूसरे को चिपका दो लाइन से, लाइन ड्रॉ करो. यस, ऐसी लाइन ड्रॉ करो. ओके, और एंगल हमेशा दो रेज का होता है, तो ये एरोज ड्रॉ करना कभी ना भूले. एंड यू कैन नेम द एंगल, एंगल ए बी सी. यू कैन कॉल दिस एंगल एज एंगल सी बी ए ऑल्सो, लेकिन ये बीच में वाला बी बीच में ही आना चाहिए नेम में. ओके, यू कैन कॉल दिस एंगल एज जस्ट एंगल बी ऑल्सो, बिकॉज बी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बी इज एक्चुअल एंगल देयर. ओके, दिस वॉज क्वेश्चन वन. बच्चे लोग अभी क्वेश्चन टू स्टार्ट करते हैं. सुनो बच्चों, क्वेश्चन टू पे जाने से पहले मुझे ये बताना है, एज दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से उसका मेजर कम है, 60 है, तो ये है एन एक्यूट एंगल. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ हमें 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. 120 मतलब मोर देन 90, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल. सिमिलरली जो जैसे फर्स्ट में किया था, सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें एक सेगमेंट ड्रॉ करनी है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 centimeter, नॉट मोर देन दैट, और विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर कैसे प्लेस करना है मैंने बताया है, वैसे ही बिल्कुल रखो. और 120 इनसाइड नंबर्स यू हैव टू सी, प्लीज बी केयरफुल. और 120 जिधर है उधर पॉइंट, और अभी रूलर के साथ वो जॉइन करो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, एंड वो जो पॉइंट आप लोगों ने ड्रॉ किया है उसको लाइन के हिसाब से और लाइन की मदद से. यस, नाउ एंगल is made up of two rays, so these two arrows you must draw. Okay, or this is angle of 120 degree. You can name this angle as PQR or ABC, whichever you like. Here I have named ABC, angle ABC. So ये angle हम लोग कैसे name कर सकते हैं, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, इट इज ओके, और एंगल बी ओनली, ये तीनों नाम दे सकते हैं. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल. दिस वॉज क्वेश्चन टू. चलो आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली 90 डिग्री ड्रॉ करना है. 90 डिग्री जब भी एग्जैक्ट मेजर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल. चलो ड्रॉ करते हैं. सेगमेंट तो ड्रॉ कर दिया, अभी प्रोट्रैक्टर ले लो, प्रॉपरली प्लेस करो. ये स्लीपिंग लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लीपिंग लाइन जो है प्रोट्रैक्टर पे वो बिल्कुल वो सेगमेंट पे ही होनी चाहिए, थोड़ी ऊपर नीचे नहीं. ओके, नाउ 90 किधर है, यस, सो पॉइंट, अभी ड्रॉ करो लाइन. एरोज मेजरमेंट दिखाओ 90 डिग्री. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ राइट एंगल. सी वी हैव नेम्ड इट एज एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए और जस्ट एंगल बी. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड विद द फोर्थ सम. 150 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना है. सो अभी तो आपको पता है, यस, सेगमेंट ड्रॉ कर दी, अभी विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, प्लेसमेंट ऑफ द प्रोट्रैक्टर प्रॉपरली करना है. आई रिपीट, 150 इनर नंबर्स देखना है, 150 पॉइंट, और अभी वो पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेगमेंट रूलर के साथ ड्रॉ करो.
ज्वाइन करो रादर, ओके ज्वाइन करो। अभी एरो, दिस इज एंगल ऑफ 150 डिग्री, यू कैन नेम इट एज पी क्यू आर। तो ये एंगल हमें कैसे नेम देने हैं, नेम क्या है इस एंगल के, एंगल पी क्यू आर, नहीं तो एंगल आर क्यू पी, और वन मोर वे जस्ट एंगल क्यू, और उसका मेजर है 150 डिग्री। दिस इज एग्जांपल ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5, 30 डिग्री। सुनो बच्चों, क्वेश्चन 5 कर रहे हैं हम लोग, 30 डिग्री। ड्रॉ अ सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, ठीक से प्लेस करके उसमें घाई गड़बड़ मत करना। 30 डिग्री पॉइंट, ड्रॉ पॉइंट देयर, यस लाइक दिस, और रूलर के साथ जॉइन करो। इतना छोटा सा एंगल है वो, लेस देन 90 डिग्री। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एन एक्यूट एंगल। एंगल ऑलवेज दो रेस से बनता है, तो वो जो दो एरो निकालने हैं वो कभी भूलना नहीं है। मेजर एंगल कितना है, 30 डिग्री, क्या नाम देंगे, पी क्यू आर। चलो तो कैसे है, दिस इज एंगल पी क्यू आर और आर क्यू पी और जस्ट एंगल क्यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 का मेजर है 165 डिग्री। सो ये सेगमेंट ड्रॉ हो गई प्रोट्रैक्टर के साथ, 165 का मेजर लेके पॉइंट ड्रॉ हो गया। 65 इज इन बिटवीन 160 एंड 170, एग्जैक्टली 160 और 170 के बीच में जो एक रिलेटिवली थोड़ा बड़ा लाइन है वो 65 है, 165, ओके। तो अभी लाइन ड्रॉ करो, आर्म ऑफ द एंगल, एरोस, और इतना बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल है ये 165। वो अगर 180 तक बड़ा होता तो उसका नाम बदल के ऑब्ट्यूस से स्ट्रेट एंगल हो जाता, लेकिन ये 165 है, लेस देन 180, सो इट इज स्टिल एन ऑब्ट्यूस एंगल। सो नेम ऑफ द एंगल्स वी हैव गिवन, एंगल LMN, नहीं तो एंगल NML और एंगल M, ये तीनों अलाउड है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, लास्ट वन सुनो, लास्ट वन इज एंगल 45 डिग्री। तो अभी आप लोग तो एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, सेगमेंट निकाली प्रोट्रैक्टर के साथ 45, अंदर के नंबर देखने हैं, इनसाइड में जो लिखे हैं वो 45 डिग्री, डॉट आ गया अपना। अभी रूलर के साथ वो डॉट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ड्रॉन बाय अस वी आर गोइंग टू जॉइन विद अनदर रे। दीज आर आर्म्स ऑफ द एंगल। अभी ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री का एंगल। अभी क्या देते हैं नाम, पी क्यू आर, सो दिस इज एंगल पी क्यू आर और आर क्यू पी और जस्ट एंगल क्यू, ओके। सो दिस वॉज क्वेश्चन 7 एंड दिस इज द एंड ऑफ प्रॉब्लम सेट 26। अगला प्रॉब्लम सेट लेके मैं जल्दी ही वापस आने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं और अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, जब तक मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट लेके आऊं तब तक क्या करना है, यस स्टडी वेल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंजॉय स्टडिंग। बाय।